बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स होपफुली यू ऑल विल बी फाइन बाय द ग्रेस ऑफ द ऑलमाइटी अल्लाह तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये कमेंट है जी अन्ना मुनीर ने तीन दिन पहले पूछा है प्लीज़ टेल द पेपर पैटर्न इन रिटन विद मार्क्स डिविजन जी तो अन्ना मुनीर स्पेशली फॉर यू आई हैव मेड दिस वीडियो सॉरी फॉर बींग लिटल लेट यहाँ पे मैं आपको पेपर पैटर्न बताने लगी हूँ इंग्लिश लिटरेचर इंटर पार्ट टू का यू बी सीइंग इट राइट नाउ ऑन योर स्क्रीन ऑब्जेक्टिव टाइप होता है हमारा सब्जेक्टिव टाइप होता है ठीक है ऑब्जेक्टिव जो पेपर है उसके बीस नंबर होते हैं इट कैरीज ट्वेंटी मार्क्स वेर एज द सब्जेक्टिव टाइप कैरीज एटी मार्क्स ओके तो टोटल हो जाता है हंड्रेड मार्क्स का पेपर स्टूडेंट्स आप सब में से जो पार्ट टू में इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं इंटर पार्ट टू इंग्लिश लिटरेचर उनके लिए काफ़ी यूज़फुल वीडियो है और इसको एंड तक देखें और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और अगर आप न्यू हैं यहाँ पर तो शेयर के साथ साथ, साथ, साथ सब्सक्राइब करें और बेल बेलाइकॉन को भी क्लिक करें चलें जी अब हम क्वेश्चन वन देखते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप है जो मैंने आपको बता दिया है ट्वेंटी मार्क्स का ऑब्जेक्टिव का मतलब है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे आपको यानी कि एम होंगे अब आप देखें कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह हो रही है यहाँ पे ट्वेंटी मार्क्स का पेपर होते, है, uh, होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जिसमें से फाइव मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं रिलेटेड टू द प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस आफ्टर वर्ड्स फाइव मार्क्स क्वेश्चन होते हैं अन्यू थोलॉजी फ्रॉम ऑफ पोम्स के

पूछे जाते हैं क्वेश्चन जो कि एंटेनम्स से रिलेटेड है यानी के वर्ड्स ऑपोजिट्स आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा ठीक है मोस्टली ये पोम्स में से आते हैं एंटेनम्स क्वेश्चन टू देखते हैं जी सिक्स शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं आपको फ्रॉम अ न्यू एंथोलॉजी ऑफ पोम्स यानी कि पोम्स की जो बुक है आपकी इट्स नॉट अ वेरी थिक बुक इट्स अ वेरी थिन कलेक्शन ऑफ पोम्स तो वहाँ से आपके लिए सिक्स क्वेश्चन हैं जो कि चॉइस होते हैं आउट ऑफ नाइन क्वेश्चन और ये बारह नंबर के सवाल होते हैं ट्वेल्व मार्क्स थर्ड क्वेश्चन इज एट शॉर्ट क्वेश्चन फ्राम द मर्चेंट ऑफ वेनिस आउट ऑफ ट्वेल्व क्वेश्चन आपने सिट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं चॉइस काफ़ी है आपके पास ये भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं और सोलह नंबर होते हैं सोलह मार्क्स के यानी कि सिक्सटीन मार्क्स क्वेश्चन नंबर फोर है जी सिक्स शॉर्ट क्वेश्चन फ्राम अंडर द ग्रीन वुड ट्री जो नॉवल है आपका अंडर द ग्रीन वुड ट्री वहाँ से आपको सिक्स क्वेश्चन करने हैं और चॉइस होती है नाइन क्वेश्चन दिए जाते हैं आउट ऑफ नाइन क्वेश्चन यू आर सपोज टू डू सिक्स शॉर्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन ऑल्सो कैरीज ट्वेल्व मार्क्स ओके मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव जो है वो है जी क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ अ पोम आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना होता है पोम को क्रिटिकल एप्रिसिएशन करनी होती है उसकी कोई भी एक पोम है और इसके साथ चॉइस होती है आपके पास कि आप आइदर डू द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ अ पोम और अटेम्प्ट द क्वेश्चन ऑफ़ कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी कैरेक्टर ऑफ द प्ले या तो आपको किसी एक किरदार की करेक्टर एनालिसिस करना है या आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन करनी है और ये पंद्रह नंबर का सवाल है फिफ्टीन मार्क्स आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स है जी आपका एस एस से रिलेटेड है और ये हैं थ्री फिफ्टी वर्ड्स तक मैक्सिमम आपको ऐसे लिखना होता है सॉरी ये थोड़ा सा ज़रा मुझे सेट कर लेने हैं जी थ्री हंड्रेड से थ्री फिफ्टी वर्ड्स का आपको ऐसे लिखना होता है और कोई से दो टॉपिक दिए जाते हैं जिनमें से एक आपने करना है पंद्रह नंबर है इसके भी यानी कि फिफ्टीन मार्क्स एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द क्वेश्चन नंबर सेवन इज़ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़ पेपर वन आउट ऑफ टू गिवन टॉपिक्स आपको दो टॉपिक्स दिए जाएंगे लेटर टू द एडिटर के आपने उसमें से कोई एक करना है और एंड दिस कैरीज टेन मार्क्स सो दिस इज़ द पेपर पैटर्न एंड द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आई होप के अनम को भी और बाकी सब व्यूअर्स को भी समझ आ गया होगा सो इनशल वील मीट अगैन विद सम्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो एंड प्लीज़ कमेंट्स में बताएँ कि वॉज इट अंडरस्टैंडेबल फॉर यू और नॉट इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्सअप लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड ऑल्सो इफ़ यू आर न्यू हेयर प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आर चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक केयर अल्लाह हाफिज